जब बात आती है ऑनलाइन पैसे कमाने की तो आजकल सबसे पहला नाम लिया जाता है एफिलिएट मार्केटिंग का। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जितना लोग इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, जितना इसके बारे में बातें कर रहे हैं, क्या सच में उतना पैसा कमाया जा सकता है इससे, या फिर हर कोई इससे पैसा कमा सकता है? तो आज हम बात करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग के उन 60 डार्क साइड्स की, जिनके बारे में लोग बात नहीं करते हैं और जिनके बारे में बात जरूर करनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये जानते होंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग चीज क्या होती है, और आप ये भी जानते होंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग कितना बस बना हुआ है सोशल मीडिया पे, कितना लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये है यहाँ पर कि कोई इस बारे में नहीं बता रहा है कि कितना लॉन्ग टर्म बिजनेस है ये, और क्या हर कोई इसे कर सकता है, या फिर कितना टाइम देना पड़ेगा इसके लिए। इसीलिए आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग कुछ डार्क साइड्स की, जो कि आपको इसे स्टार्ट करने के पहले पता होनी चाहिए। पहला पॉइंट, टिकटिंग कमीशन। आप ये जानते होंगे एफिलिएट मार्केटिंग में किसी और का प्रोडक्ट बेचते हैं और जब सेल हो जाती है तो उसका एक फिक्स परसेंटेज हमें सेल का मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमें एक फिक्स परसेंटेज मिल रहा है उस सेल का और अचानक वो कमीशन रेट कम हो जाता है। ये चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। आप किसी भी एफिलिएट नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर पहली कंडीशन यही होती है कि वो कभी भी अपने अकॉर्डिंग अपनी कंडीशंस पे आपका कमीशन रेट कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता उसके। लास्ट ईयर 2021 में इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखने को मिला, अमेज़न में अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स में एफिलिएट कमीशन कम कर दिए। तो जिनकी बनी बनाई इनकम अच्छी घर से आ रही थी, उनके कमीशन एकदम से डाउन हो गए, उनकी इनकम एकदम से डाउन हो गई। रीजन ये इसका कि जब एफिलिएट नेटवर्क्स लाइव होते हैं तो यहाँ पर ये अपने एफिलिएट्स को अच्छा कमीशन रेट देते हैं, पर जैसे जैसे इनकी ऑडियंस बढ़ती जाती है, इनके पास ऑर्गेनिक ऑडियंस आने लगती है, तो जरूरत नहीं रहती इतनी एफिलिएट्स की। प्लस धीमे धीमे जब प्रमोट होते जाते हैं तो एफिलिएट्स के नंबर ही बढ़ते जाते हैं और भी एफिलिएट ज्वाइन होते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी बन जाता है एफिलिएट कमीशन कम करना। तो आपको इस बात को समझना होगा कि जो एफिलिएट नेटवर्क आप ज्वाइन कर रहे हैं, क्या फ्यूचर में उसका एफिलिएट कमीशन कम हो सकता है, क्या एक लॉन्ग टर्म तक आप उस एफिलिएट नेटवर्क से प्रॉफिट कमा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, आपको ये समझना होगा कि आप अपनी ऑडियंस ओन नहीं करते। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने अमेज़न एफिलिएट ज्वाइन किया, आप अमेज़न के प्रोडक्ट लोगों को प्रमोट करते हैं, आप अपने फेसबुक पेज पर या फिर फेसबुक ग्रुप पे या फिर अपनी वेबसाइट से अमेज़न के एफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। तो आपकी वेबसाइट पर यूजर लैंड हुआ, उसे प्रोडक्ट देखे, वो वहां से अमेज़न की वेबसाइट का रूट हो गया, अमेज़न पे सेल हो गई, आपको कमीशन मिल गया। अब समझने वाली बात यह है कि जो कस्टमर आपके पास आया था, क्या आप उसको ओन करते हैं, क्या ये आपकी ऑडियंस है? आपने किसी तरह उस ऑडियंस को ले तो आया अपनी वेबसाइट पे, लेकिन सेकंड टाइम ऑडियंस आपके पास आएगी नहीं आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर अमेज़न ने आपको एक छोटा सा कमीशन दे दिया, लेकिन आपसे एक नया कस्टमर ले लिया, प्लस जब उसने पैकेज भेजा तो वहां पर पूरी अपनी प्रॉपर ब्रांडिंग कर दी। इससे फायदा ये हुआ अमेज़न को कि अब उस यूजर की इन्फॉर्मेशन अमेज़न के पास है और वो आपसे अच्छी मार्केटिंग करके डिफरेंट तरीकों से उस यूजर को डायरेक्टली अमेज़न पे ले आएगा नेक्स्ट टाइम। तो अगली बार आप कमीशन नहीं मिलेगा अमेज़न को, बिना कमीशन के सेल। तो यहाँ पर अमेज़न का तो फायदा हो रहा है, लेकिन आप उस ऑडियंस को ओन नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 3, नॉट टेस्टेड प्रोडक्ट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब कोई नया आदमी एफिलिएट स्टार्ट करता है, एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करता है, तो यहाँ पर वो ये देखता है कि सबसे ज्यादा कमीशन रेट किसे मिल रहा है। वो कोई भी नेटवर्क ज्वाइन करे, अमेज़न एफिलिएट ज्वाइन करे, क्लिकबैंक ज्वाइन करे, डिजिस्टोर ज्वाइन करे, कुछ भी ज्वाइन करे, लेकिन सबसे पहले वो जाके देखता है कि सबसे ज्यादा कमीशन रेट किसका है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उस प्रोडक्ट का उसे कोई नॉलेज नहीं होता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती उसके पास, और वो प्रमोट करना स्टार्ट कर देता है। अगर उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं उस प्रोडक्ट के बारे में, कोई एक्सपीरियंस नहीं उस प्रोडक्ट के बारे में, तो वो उसका रिव्यू कैसे लिख सकता है? रिजल्ट ये होता है कि वो कहीं से कॉपी करके उस प्रोडक्ट का रिव्यू लिखता है वेबसाइट पे, और क्योंकि कॉपी कंटेंट रहता है तो वहां पर ट्रैफिक वाले की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है। फाइनल रिजल्ट, कोई पैसा अर्न नहीं हो पाता। तो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट भी करने जा रहे हैं तो जरूरी ये है कि जिस भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं आप, तो कम से कम उसको परचेज करना पड़ेगा आपको एक बार। उसका आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्या क्या उसमें फीचर्स हैं, तब आप अपने ऑडियंस को उसे प्रमोट करिए। और जब आप किसी प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस करके उसके बारे में लिखते हैं, उसका रिव्यू लिखते हैं, तो वहां पर अलग ही इफेक्ट आता है और ऑडियंस भी आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो कोशिश करिए प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए। हमारा चौथा पॉइंट भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। लोग एक प्रोडक्ट को चूज नहीं कर पाते। प्रॉब्लम यही कि लोग किसी भी एफिलिएट नेटवर्क पे जाते हैं तो वहां पर सबसे हाई कमीशन वाले प्रोडक्ट को चूज करते हैं और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को चूज कर लेते हैं। जब ये लोग अलग अलग प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं तो अलग अलग जगह प्रमोट भी करते हैं। इसकी वजह से ना उनको प्रोडक्ट का नॉलेज मिल पाता है, ना एक पर्टिकुलर निश का नॉलेज मिल पाता है, और ना ही वो एक जगह पर एक अथॉरिटी बना के किसी वेबसाइट पर उस चीज को प्रमोट कर सकते हैं। रिजल्ट ये आता है कि इतने सारे प्रोडक्ट लेने के बाद भी उनका एक प्रोडक्ट बिकता नहीं और उन्हें कोई कमीशन नहीं मिलता। तो जरूरी यह है कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करने जा रहे हैं, उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो केवल एक प्रोडक्ट को चूज करिए या फिर एक निश को चूज करिए उसमें पहले। अगर आप एक निश पे काम करते हैं, एक निश प्रोडक्ट पे काम करते हैं, तो आप उसका नॉलेज ले पाते हैं और उसे ढंग से प्रमोट कर पाते हैं। नंबर 5, एफिलिएट नेटवर्क हमेशा सपोर्ट करते हैं एक बिजनेस का, ना कि अपने एफिलिएट्स को। देखिए, एफिलिएट नेटवर्क जो भी होते हैं उनके पास दो तरह की लिस्टिंग होती है। एक होते हैं बिजनेस जो कि अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, एक होते हैं प्रमोटर जो कि प्रोडक्ट प्रमोट करना चाह रहे हैं। अब ये बिजनेस पे करते हैं एफिलिएट नेटवर्क को कि हमारा प्रोडक्ट रजिस्टर कर लीजिए, अपने लिस्ट में ले लीजिए, और आपके प्रमोटर इसे प्रमोट करेंगे तो हमें फायदा होगा, इस पर हम कमीशन देंगे आपको।
दूसरी तरफ प्रमोटर होते हैं एक रैंडम पर्सन जिसके पास कोई भी बहुत ज्यादा लाइबिलिटीज नहीं होती है, कोई ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, वो सिंपल कुछ प्रोसेस करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेता है अपने नेटवर्क में और प्रमोटर लेता है प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर जो भी अफिलिएट नेटवर्क्स होते हैं उनके लिए प्रायोरिटी होते हैं बिजनेस, क्योंकि उन्हें पैसा पे कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से ये नेटवर्क चल रहा है। एफिलिएट्स बहुत सारे होते हैं, बहुत क्वांटिटी में होते हैं, तो यहाँ पर एफिलिएट्स को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलती। कुछ टॉप एफिलिएट्स होते हैं जो अच्छे सेल करते हैं, उनको भले ही प्रेफरेंस मिलती है, उनको डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, लेकिन बाकी जो एफिलिएट्स जो नए ज्वाइन करते जा रहे हैं उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया, कोई सेल नहीं दी है, तो उनको कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाती। तो अगर आप कोई भी इनवैलिड एक्टिविटी करते हैं या फिर आपको सस्पेक्ट पाया जाता है इनवैलिड एक्टिविटी के लिए, तो आपका अकाउंट सस्पेंड करने में टाइम नहीं लगाया जाएगा। आपने कितने भी अच्छे लैंडिंग पेजेस बना रखे हो प्रमोशन करने के लिए या फिर आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, जब तक आपने बहुत ज्यादा सेल नहीं किए उनके लिए तब तक आपकी प्रेफरेंस उनके लिए बिजनेस के कंपैरिजन में बहुत कम। नंबर 6, इनसफिशिएंट नॉलेज। जो भी लोग एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं, मोस्टली लोग उनमें से ऐसे होते हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज होता ही नहीं। यहाँ पर हम एफिलिएट मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग कहीं से उससे अलग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सिंपल बिजनेस करते हैं, आप एक प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं अपने कस्टमर को, तो यहाँ पर आप डिफरेंट तरीके से मार्केटिंग करेंगे। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो आप एक वेबसाइट बनाएंगे, उसमें कंटेंट लिखेंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, लोगों को मेल करेंगे, अलग तरीकों से मार्केटिंग करेंगे। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग केस में बहुत सारे लोग इसे केवल लिंक कॉपी पेस्ट करना मान लेते हैं। वो चाहते हैं हम फेसबुक पर अपना लिंक पेस्ट करते हैं या फिर पिंटरेस्ट पर अपना लिंक पेस्ट करते हैं और वहां से ट्रैफिक आ जाए हमारे पोस्ट पर और उससे प्रोडक्ट सेल हो जाए और हमें कमीशन आ जाए। लेकिन बात समझने वाली है कि सोशल नेटवर्क्स बहुत ज्यादा लिंक्स को प्रमोट नहीं करते। इनफैक्ट फेसबुक एफिलिएट लिंक्स को अलाउ ही नहीं करता है और वहीं भी पिंटरेस्ट जैसे नेटवर्क एफिलिएट लिंक्स को ज्यादा प्रमोट नहीं करते, ज्यादा रीच ही नहीं देते। तो जो भी लोग आपको ये बताते हैं कि इधर उधर लिंक पेस्ट करके आप एफिलिएट कमीशन कमा सकते हैं, तो वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। आपको पहले एक अथॉरिटी बनानी पड़ती है। ये अथॉरिटी आपकी वेबसाइट पर हो सकती है या फिर सोशल नेटवर्क पर भी आप अथॉरिटी बना सकते हैं, यूट्यूब फेसबुक पिंटरेस्ट पर भी आप प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन एक अथॉरिटी बनाने के बाद यहाँ पर आपकी ऑडियंस आपका प्रोडक्ट लेती है, लेकिन जब ये समझती है कि आपके पास सफिशियंट नॉलेज है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको ये समझना होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग केवल लिंक पेस्टिंग काम नहीं है। इसके लिए पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग समझनी होगी, उसके तरीकों को अप्लाई करना होगा, फिर अगर आप चाहते हैं तो किसी और का प्रोडक्ट लेके अपनी वेबसाइट पर प्रमोट कर सकते हैं और उससे कमीशन भी कमा सकते हैं। सातवां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिसकंसेप्शंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन फैलाए जा रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग। लोग ये बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारे पैसे कमा लिए एफिलिएट मार्केटिंग से और बहुत जल्दी कमा लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे कि किसी ने भी नहीं कमाए, लेकिन जो भी लोग आपको ये बता रहे हैं उनमें से सबने नहीं कमाए, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कमाए। तो आपको ये समझना होगा कि आपके लिए आइडियल मेंटर कौन हो सकता है। अगर आप चाहते हैं किसी कोर्स को ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप पहले दिन से पैसे नहीं कमा पाएंगे। आपको पहले मार्केटिंग का नॉलेज देना पड़ेगा, आपको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज देना पड़ेगा और उसके बाद आपको एफिलिएट मार्केटिंग नॉलेज देना पड़ेगा, तब आप अपने प्रोडक्ट प्रमोट कर पाएंगे, उससे अच्छा कमीशन जनरेट कर पाएंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या है और उस ऑडियंस को आप क्या अच्छा कंटेंट दे सकते हैं, कुछ स्पेशल कंटेंट दे सकते हैं। अगर आप वो कंटेंट दे सकते हैं तो वो ऑडियंस आपसे परचेज भी करेगी और आपको कमीशन भी मिलेगा। लेकिन अगर आप उस तरह से कर रहे हैं, लिंक पेस्टिंग कर रहे हैं या फिर थोड़ा स्पैमिंग कर रहे हैं, तो आप बहुत लॉन्ग टर्म उस काम को नहीं कर सकते। एक आध कमीशन मिल सकते हैं आपको, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। तो अगर आपको केवल कमीशन बाजी करनी है तो आप लिंक इधर उधर पेश करके एक आध कमीशन कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक सीरियस बिजनेस करना है एफिलिएट मार्केटिंग का, तो पहले मार्केटिंग समझनी पड़ेगी, डिजिटल मार्केटिंग समझनी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, तब आप उसे प्रमोट करें और अच्छा कमीशन कमा सकते हैं। तो ये थे 7 डार्क साइड्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। इस वीडियो में कुछ टफ फैक्टर्स थे जो लोग समझना नहीं चाहते, लेकिन समझना बहुत जरूरी था। अगर कोई शिकवा शिकायत हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अभी के लिए गुड बाय।